हेलो हाय एंड वेलकम टू डिजी हंट। मैं हुरुची और आज हम रिव्यू करने वाले हैं वूट का नया वेब शो क्रैकडाउन। स्टोरी की शुरुआत काठमांडू में होती है, जहां पर एक रॉ एजेंट और एक मुस्लिम लड़की के बीच कन्वर्सेशन होती है। इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों कोई सीक्रेट मिशन में इन्वॉल्व है। स्टोरी जैसे ही आगे बढ़ती है, वैसे ही हम देखते हैं कि वो मुस्लिम लड़की एनकाउंटर में मारी जाती है। शुरू के 4 एपिसोड में इस चीज को रॉ एजेंसी कवर करने में लग जाती है, और जो बाकी 4 एपिसोड्स हैं, उसमें चेजिंग सीन्स और बड़े खुलासे होते हैं। इस बार इतनी लाशें गिरेंगी कि कोई इंटरनेशनल बॉडीज उन्हें गिनवा नहीं पाएंगे। कई मर्डर्स और बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जिसे साकिब, जो कि रियाज के नाम से जाने जाते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। ऑल ऑफ दिस इंसिडेंट ट्रेसेस बैक टू पाकिस्तान, मतलब कि जितने भी ये चीजें हैं उनका मेन कोर होता है पाकिस्तान में। शो टोटल 8 एपिसोड का है, और जो आखिरी एपिसोड है उसमें क्लिफहैंगर एंडिंग है, जिसका मतलब है कि शायद हमें सीजन 2 देखने को मिले। इस सीरीज में 6 मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें साकिब सलीम एक रॉ एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, और इनके अलावा इकबाल खान और राजेश तैलांग एक चीफ रॉ ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे। हमें तक पहुंचने का एक दिन आपके सर पर लायबिलिटी बनकर लटके। श्रेया पिलगांवकर इस शो की लीडिंग लेडी है, जो कि डबल रोल में देखी जाएंगी। स्टार्टिंग में वलूषा डिसूजा का बहुत ही सिंपल रोल रहा है, पर जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है उनका रोल शॉकिंगली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अंकुर भाटिया एक पाकिस्तानी कॉप के रूप में देखे जाएंगे, और उनका आई पैच वाला जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा कैची है। शो मल्टीपल लोकेशंस पे शूट हुआ है, जिसके कारण डायरेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल हुआ है। इसमें ड्रोन शॉट और सीनिंग ब्यूटी को ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। रोल की बात करें तो साकिब एक माचो रॉ एजेंट के रूप में देखे जाएंगे। सीरीज में उन्हें बड़ा ही इंटेलिजेंट, ब्रेव और स्मार्ट लुक दिया गया है। दूसरी ओर श्रेया अपने डबल रोल को अच्छी तरह निभा गई हैं, पर उनसे थोड़ी ज्यादा उम्मीद थी। मैं अपने लिए नहीं करता हूं। पता है, देश के लिए, पर मैं भी इसी देश की हूँ। राजेश अपने फादर और एक चीफ रॉ ऑफिसर के रोल में खूब जमे हैं। एक साइड तो वो एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, और दूसरी साइड वो एक फन लविंग फादर है, जिन्हें देखकर आपके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाएगी। बलुशा एक अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर प्ले कर रही है। सीरीज में कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न होते रहते हैं, जिसके कारण सीरीज इंटरेस्टिंग लगती है। इस शो का थीम बहुत ही कॉमन है, जिसपे ऑलरेडी मूवीज और शोज बन चुके हैं। ओवरऑल मैं इस शो को 3 out of 5 स्टार्स देना चाहूंगी। अगर आप इस शो को देखना चाहते हैं तो आप वूट पर 23 September से देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको ऐसे और रिव्यूज देखने हैं, तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।